नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे सेवेंथ हाउस को लेके केपी एस्ट्रोलॉजी में। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि जो वीडियो है वो सही नहीं है या जो भी है, लेकिन देखिए जो एस्ट्रोलॉजी है वो काफ़ी वास्ट है। एक वीडियो में चीज़ों को कवर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक में बात करूँगा थोड़े अलग ढंग से, ठीक है। और ये काफ़ी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा और मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप प्रिडिक्शन करने बैठते हैं या चेक करने बैठते हैं, उस टाइम पीरियड पे हम एक जगह आके फंस जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई सवाल आता है हमारे मन में, और उस सवाल के वक्त जब सवाल आता है, उस सवाल के वक्त जब आप चार्ट बना लेते हैं और चार्ट को देखते हैं, ठीक है, जैसे मैं ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, देख सकते हैं केपी स्टार वन है, ठीक है। तो कोई आज हम सिर्फ बात करेंगे सातवें घर को लेके, ठीक है। तो सातवें घर को लेके अगर आपके मन में सवाल आता है और आप कुछ पूछते हैं और उसके बारे में आपको क्लियर नहीं होता कि एग्जैक्टली ये रिजल्ट आ क्या रहे, तो उसको आप देखेंगे कैसे, तो उसको आप समझेंगे कैसे, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ और बताता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपको कोई भी जैसे आपने चार्ट बना लिया है अगर आपका है या कोई भी है, तो हमें कुछ चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हैं। ये आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत बेसिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम चार्ट बना लेते हैं और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे सातवें घर का जो सब लॉर्ड है वो चंद्रमा आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो अगर जैसे आप चंद्रमा को देखेंगे, ये एक रैंडम चार्ट अभी मैंने स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं जो टाइम है उसी टाइम में अभी जो हमने स्टार्ट किया है उसी लगभग उसी टाइम के हिसाब से मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया है। तो सातवें घर का जो सब लॉर्ड है वो चंद्रमा है, ठीक है। और अगर आप चंद्रमा को लेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे चंद्रमा को लेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे चंद्रमा को लेता हूँ, यहाँ पे नाड़ी सिग्निफिकेटर में जाता हूँ और यहाँ पे चंद्रमा के भाव फल देखते हैं, तो चंद्रमा जो है 2 और 3 है। तो 2 और 3 है तो मैरिज की प्रेडिक्शंस के लिए, ठीक है, 2 और 3 आ रहे हैं यहाँ पे मैरिज के प्रेडिक्शंस के लिए, आपको सिर्फ इनिशियली क्या होता है कि आपको सिर्फ प्रॉमिस देखना है। प्रॉमिस मतलब क्या है कि क्या मैरिज होगा या नहीं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में आंसर हाँ या ना में आता है, ठीक है, कोई गोलमोल आंसर नहीं होता, हो सकता है या ऐसा कुछ संभावनाएं नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हमें प्रिडिक्शन में ये देखना है कि क्या ये होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आप देखें सेवेंथ सब लॉर्ड चंद्रमा है, ठीक है, सेवेंथ सब लॉर्ड अगर चंद्रमा है तो वो 2 और 3 घर ले रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा घर जो है हम कह सकते हैं 2, 7, 11, ठीक है, 2, 7 और 11 जो हैं, ये तीनों घरों में से कोई भी एक घर अगर ये चंद्रमा शो करता है तो मैरिज होगा, इसका मतलब मैरिज का प्रॉमिस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस चार्ट में दूसरा घर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इनका मैरिज होगा, ठीक है, तो ये एक प्रॉमिस आ गया, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा घर आ रहा है, ठीक है, कहीं पे छठा घर आता है, कहीं पे आठवां घर आता है, कहीं पे मतलब 2, 7 के अलावा दूसरे घर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो कई लोग प्रिडिक्शन में ये कहते हैं कि ये जो 2, 7 के अलावा जो दूसरे घर भी आ रहे हैं वो जो हैं उनको मतलब शादी वाले घरों से कोई लेना देना नहीं है, उनको आप साइड रखें, उनको आप साइड रखें, हमें सिर्फ इन 3 घरों को ही देखना है। दोस्तों इसमें ये ऐसे नहीं होता है, रीजन देखिए, ये 3 जो घर हैं ये काफी इंपॉर्टेंट घर हैं मैरिज को लेके, ठीक है, लेकिन जो बाकी घर हैं उनके भी कुछ ना कुछ मीनिंग होते हैं, उनके भी कुछ ना कुछ मतलब होते हैं। वही चीजें आज हम
इस वीडियो में समझेंगे, बहुत ही छोटे फॉर्म में, क्योंकि हर एक हाउस के अनगिनत सिग्निफिकेंस होते हैं, तो मैं उनमें से थोड़ा थोड़ा ही आपको बता पाऊंगा, ठीक है? अगर हम डिटेल में चलेंगे तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, ठीक है? और सच बताएं तो इसमें आपको गहन अध्ययन की बहुत जरूरत है, ठीक है? तभी जाके आप चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। एक ही हाउस मल्टीपल इवेंट्स और मल्टीपल चीजें बताता है, ठीक है? तो मैं आपको ये शो करता हूं। उससे पहले एक और चीज बताएंगे, ठीक है? अब यहां पे देखिए, जो सातवां जो है वो चंद्रमा है, ठीक है? अब हमें प्रिडिक्शन के लिए, केपी में हमें प्रिडिक्शन के लिए चंद्रमा के स्टार को भी देखना है। तो यहां पे अगर आप देखें, चंद्रमा का जो स्टार है वो जुपिटर है, ठीक है? फिर हम देखेंगे जुपिटर क्या फल लेके चल रहा है, और फिर उसके बाद फिर हम राहु जो है वो चंद्रमा का सब लॉर्ड है, वो भी देखेंगे कि राहु क्या फल लेके चल रहा है। फिर राहु, जहां राहु या केतु आएगा, तो वहां फिर हम इन दोनों के सिग्निफिकेंस को अच्छी तरह देखेंगे। हमने पहले ही वीडियो बना रखा है कि राहु केतु को कैसे देखना है, कैसे समझना है, वो डिटेल आप समझ पाएंगे, ठीक है? तो देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, अब मैं उस छोटे से नोट पैड में मैं चलता हूं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं, ताकि आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि ज्यादातर चीजें मैं बोलूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो इसमें आप देखें, हम यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। कई बार मेरे पास फोन आता है कि वो पूछते हैं, सर आप जो प्रेडिक्शन करेंगे वो केपी से करेंगे या वैदिक से करेंगे या पराशरी से करेंगे, जेमिनी से करेंगे, किससे करेंगे? देखिए, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन जो है, आप कोई भी सिस्टम यूज करें, उसको सही तरह यूज करें, तो रिजल्ट हमेशा ही अच्छा आएगा, सही आएगा। अगर आप एक, लेकिन ये है कि केपी अगर हम कहें तो काफी एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, अगर आपको, आप चीजों को सही तरह उसको यूज करेंगे, ठीक है? अब देखें कि कई बार क्वेश्चन ये आता है कि सातवें घर के रिलेटेड सवाल है, और लोगों के दिमाग में ये आता है, अरे सिर्फ जो प्रॉमिस के जो घर हैं वो दो हैं, सात है और 11वां है, इसके अलावा जो भी घर आ रहा है आप उसको छोड़ दें, या आप 6, 8 या 12 देखें, इन घरों को देखें और इसके अलावा बाकी घरों को छोड़ दें। जनरली लोग ऐसे चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें हर घर को देखना है, हर घर को समझना है, हर घर का कुछ ना कुछ महत्व है, ठीक है? जब ये 12 के 12 घर हमारे कुंडली में बने हैं, तो इसका मतलब इनका महत्व जरूर है, कुछ ना कुछ ये कह रहे हैं, वो हमें चीजों को समझना है कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है? तो ये हम कह सकते हैं, ये जो 6, 8, 12 है, ये नेगेटिव हाउसेस हैं, ठीक है? हम मैरिज के लिए हम कह सकते हैं कि ये कुछ नेगेटिव रिलेटेड रिजल्ट हमें देंगे। लेकिन अगर हम थोड़ी डिटेल में जाएं, हमें ये पता है कि 12th हाउस जो होता है, दूसरे घरों का जो 12th हाउस होता है, जैसे दूसरे का जो 12th है वो फर्स्ट है, सातवें का जो 12th है वो सिक्स्थ है, और 11वें का जो 12th है वो 10th है, ठीक? तो इसका मतलब ये तीन हाउसेस मैरिज को डिस्ट्रॉय करने वाले हाउसेस हैं, ठीक है? हम ये कह सकते हैं ये तीन हाउसेस अगर एक साथ कम्बिनेशन में चलें, नक्षत्र में या सब में, कहीं पे भी ये तीन प्लैनेट रिपीट हो या मिल जाएं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं नो मैरिज या डिवोर्स, ठीक है? लेकिन हम उतने डिटेल में चीजों को नहीं लेंगे, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा कि हर हाउस क्या सिग्निफिकेशन देता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने, मैंने कोई नोटिस नहीं दिया फिर भी आप लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इसमें हम देखेंगे कि हाउसेस का महत्व क्या है। अगर देखिए, पहला घर जो आता है, अगर मैरिज के रिलेटेड आपके फर्स्ट हाउस आ रहा है, देखिए फर्स्ट हाउस जो है एक निगेट वाला हाउस है, ठीक है? ये हमें समझना जरूरी है, लेकिन ये हर बार निगेट वाला नहीं होता है। ये अगर निगेटिव हाउसेस के साथ जुड़ जाए तो ये नेगेटिव हाउस हम कह सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर फर्स्ट हाउस सिंगल आ रहा है, अगर वो पांचवें घर के साथ आ रहा है, सातवें घर के साथ आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक लव मैरिज है। लव मैरिज में फर्स्ट हाउस आएगा,
क्योंकि हम वहां पे दूसरे को उतना महत्व हर बार नहीं देते। कई केसेस में आप देखते हैं कि जो लव मैरिज होते हैं वहां पे फैमिली की जो फैमिली का जो सपोर्ट है वो कई केसेस में नहीं होता है। तो इसलिए जो लव मैरिज के केस में फर्स्ट हाउस भी आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जहां सातवें घर के कारण पहला घर भी आ रहा है और उसके नेगेट हाउसेस नहीं आ रहे हैं, और सातवां या दूसरा या कोई भी दूसरा जैसे 11वां 5वां या कुछ भी मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये इस पीरियड में यहाँ पे इनका लव मैरिज हो सकता है। ठीक है, तो लव मैरिज के केस में फर्स्ट हाउस आता है। फर्स्ट हाउस मतलब आप खुद हैं, लगन है, ठीक है। दूसरा घर जो होता है वो हमें सबको पता है कि वो फैमिली का होता है, धन का होता है, ठीक है। तो इससे हम इन चीजों को देख सकते हैं कि मैरिज के रिलेटेड वो कैसे बात होती है। और इसमें आप एक चीज और देखेंगे, चलो इसको मैं थर्ड स्टेप में बताता हूँ, तीसरे घर को लेके। अब तीसरा घर जो है, देखिए तीसरा घर जो है, तीसरा घर कन्वर्सेशन का होता है। चलो मैं चार्ट में ले चलता हूँ, उससे आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा। इसमें मैं व्यू स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये आप खुद हैं, ठीक है, 1 2 3 तीसरा घर ये है, ठीक है। अब तीसरा घर जो है ये आप देख सकते हैं, ये आपकी बातचीत है, ठीक है। तीसरा घर जो है ये आपकी बातचीत है। उसके बाद अगर हम आपके सामने वाले पार्टी जो है वो सातवां घर है, ये जो है ये सातवां घर है। सातवें घर की बातचीत है 1 2 3, मतलब नौवां घर जो है वो सामने वाले की बातचीत है। पहले से तीसरा जो है वो आपकी बातचीत है, मतलब 3 और 9 मिलकर दोनों ऑपोजिट पार्टी की बातचीत होती है। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि भाई ये सगाई हो गई, ठीक है। अगर कई लोग ये कहते हैं कि अगर हम प्रॉमिस देख रहे हैं तो हम तीसरे घर को भी हम प्रॉमिस में देखें, जैसे बिना तिलक के तो भाई मैरिज होती नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो भी हम देख सकते हैं। लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कई केसेस में मैरिज चटपट हो जाती है, तो हम हर चीज को लेके नहीं चल सकते कि उस टाइम पे उनकी क्या पता सगाई ना हुई हो, डायरेक्ट मैरिज हो गई, या मैरिज के दिन ही सगाई होकर मैरिज हो जाए। हर तरह की चीजें पॉसिबिलिटी होती है, और आपको ध्यान रखना है कोई भी चीज, कोई भी घटना अगर जल्दबाजी में हो रही है, अचानक हो रही है, तो इसका मतलब वहां पे राहु और केतु जरूर कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। यहां पे अगर आप देखें इस चार्ट में, यहां पे भी मैरिज अचानक और चटपट ही होगी। क्यों? क्योंकि राहु जो है चंद्रमा के सर कंजंक कर रहा है, ठीक है, कंजंक्शन है, युति है, और प्लस चंद्रमा का जो सब लॉर्ड है वो खुद राहु है, ठीक है। तो ये चीज आप देख के समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा घर जो है वो कन्वर्सेशन का हो गया, बातचीत का हो गया, ठीक है। और कई बार आप देखते हैं कि आपने बोल दिया तीसरा घर आ गया जी, बातचीत चल रही है, ये तो मैरिज हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है, तीसरे घर में कई बार, तीसरे घर के कारण ही ज्यादा बातचीत में ही कई बार आपस में झगड़े हो जाते हैं और जिससे मैरिज टूट जाते हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ इसमें चीज एड ऑन कर देता हूं, अगर पैसे के लेके झगड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं जुपिटर आएगा, जुपिटर जो है पैसे का कारक है। अगर झगड़ा हो रहा है तो मंगल को देखें, मंगल कौन से घर में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मंगल कहीं पांचवें घर में बैठा है तो इसका मतलब पांचवा घर क्या है, यहाँ पे तो हम लव मैरिज बोलते हैं लेकिन पांचवा घर जो है वो सेलिब्रेशन का भी है। तो इसका मतलब जब हम फंक्शन कर रहे हैं या सेलिब्रेशन कर रहे हैं उस टाइम पीरियड पे कुछ ना कुछ बातचीत में या कहीं पे भी प्रॉब्लम हो जाए और उस वजह से झगड़ा हो गया, ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। चौथा घर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। चौथा घर जो होता है वो सुख का होता है, ठीक है। चौथा घर जो होता है वो आप कह सकते हैं पूरी दुनिया जहान का जो सुख है वो चौथा घर है, ठीक है। तो चौथे घर में देखिए, इसमें डिटेल में हम चीजें जा सकते हैं। चौथे घर से हम घर देख सकते हैं, चौथे घर से हम गाड़ी देख सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीजें जो हैं हम देख सकते हैं हर एक घर से, ठीक है।
पांचवें घर को देखें, जैसे मैंने बताया पांचवा घर जो है वो सेलिब्रेशन का है ना, पांचवा घर जो है लव मैरिज का है। लेकिन लव मैरिज हम ऐसे सीधा नहीं कह सकते कि लव तो है लेकिन क्या वो मैरिज भी है। तो उसमें मैंने वो वीडियो में ये बताया है सातवें घर के कारण अगर पांचवा आए, पांचवें के कारण सातवां नहीं, सातवें घर के कारण अगर पांचवा आए और वो स्थिर राशि हो तो लव मैरिज होता है। और ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूं, ये जो मेथड मैं बता रहा हूं, मेरे गुरुजी यही कहते थे, कहते हैं कि ये जो सिस्टम है आप खुद चेक करें, ठीक है, ये 100% काम नहीं करते, ये 1000% काम करते हैं, आप खुद चेक करें और चेक करके मेरे को बताएं, ठीक है। अगर हम छठे घर को लें, यहां पे छठा घर क्या कहेगा, हम देख सकते हैं छठा घर जो है वो विचार भेद का है, ठीक है, सातवा घर जो है वो मैरिज का है, आठवा घर काफी इंटरेस्टिंग होता है, आठवा घर अगर अच्छे घरों से मिल जाए तो वो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन भी दे सकते हैं। आठवा घर जो है वो आपके इन लॉज के भी हैं, आपका ससुराल पक्ष का भी है, आठवें घर से आपको दहेज भी मिल सकता है, आठवें घर फिर प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। आठवां अगर छठे से जुड़ जाए, आठवां अगर बारहवें से जुड़ जाए, बारहवां लॉस है, छठा विचार भेद है, कोर्ट है, तो इन सब चीजों में आठवां बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है अगर वो कॉम्बिनेशन 6, 8, 12 के बन जाए, ठीक है। जैसे कि नौवां घर मैंने आपको बताया वो सामने वाले पार्टी की बातचीत है, तो वो 9 और 3 जब मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि भाई सगाई हो गई। दसवां घर क्या है यहाँ पे, देखिए दसवां घर जो है वो आप कह सकते हैं कि एक स्टैंप है, एक अथॉरिटी का स्टैंप है। जैसे अगर किसी का डिवोर्स होता है उसमें अगर दसवां घर आ रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉपर डिवोर्स हुआ है, इसमें एक लीगल डॉक्यूमेंट मिला है, दसवां घर एक डॉक्यूमेंट है जिसपे एक स्टैंप है एक एक्चुअल अथॉरिटी की। क्यों? क्योंकि दसवां जो है वो 11वें का 12 बनता है, ठीक है। अगर 11 आपका फुलफिलमेंट है, डिजायर की फुलफिलमेंट है, इच्छा पूर्ति है, तो उसको काटने के लिए दसवां घर है, ठीक है, मैरिज के क्षेत्र में स्पेशली। 12वें घर को अगर हम देखें, 12वां घर जो है खर्चे हैं। अगर सही घरों के साथ 12वां घर आ रहा है तो आप कहेंगे कि शादी में खूब खर्चा कर रहे हैं आप, है ना। और अगर गलत घरों के कारण 12वां घर आ रहा है तो वो खर्चा या आपके बहुत तगड़ा लॉस भी करा सकता है वो, ठीक है। तो आप देखें कि सारे घर कुछ ना कुछ कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज मैं और बताऊंगा अभी, एक एक्स्ट्रा टिप और बोनस की तरह मैं आपको बोल सकता हूं। अभी जो है जुपिटर जो है अभी वीनस की राशि में है, ठीक है, और वीनस और जुपिटर ये दोनों जो हैं मैरिज के कारक प्लैनेट है, ठीक है। इस टाइम पीरियड पे काफी लोगों की मैरिज होने की संभावना है, ठीक है। तो कोई भी गणना में हम ट्रांजिट को भी बिल्कुल लेते हैं, ठीक है, और ट्रांजिट को देख के ही हम चीजें सही तरह समझ सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हर घर कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है, हर घर के सिग्निफिकेशंस अलग अलग होते हैं। एक देखने हम ये देख रहे हैं कि हम क्या देख रहे हैं उन घर से। फॉर एग्जाम्पल इस वाले वीडियो में हमने देखा कि सातवें घर के कारण अगर ये अलग अलग घर आते हैं तो उनका क्या मतलब है। जैसे हमें ये नहीं करना है कि 2, 7, 11 आया या उसके अलावा 1, 6, 10 आया, 6, 8, 12 आया, इनके अलावा और कुछ आ रहा है तो भाई हम उनको छोड़ देंगे, उन घरों को नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर घर कुछ ना कुछ कहता है, वो जो चार्ट बनेगा उस टाइम पीरियड पे आप उन चीजों को देखें और तभी आप उन चीजों को सही तरह समझ पाएंगे, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जो सवाल हो वो कमेंट्स के सेक्शन में पूछें, और अगर किसी को कंसल्टेशन लेनी है तो नंबर्स डिस्क्रिप्शन में हैं, वो कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बुकिंग्स आए हुए हैं, तो इसलिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर कर लें, ठीक है, मैसेज कर लें बुकिंग करने से पहले, ताकि मैं आपको सही वक्त दे पाऊँ, उसी वक्त में फिर आगे बातचीत हो पाएगी। तो अगर कोई सवाल हो ज़रूर कमेंट्स में दें, तो मैं आप लोगों को उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, वैदिक एस्ट्रो की तरफ से आज्ञा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।